दर्शकों, ये रहा अपना आज का नाश्ता। कई थे चिमटी। नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आज फिर से एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। नए जोश, नए उत्साह और नई उमंगों के साथ आज हम फिर से काम करने के लिए अपने बगीचे साइड जाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि अपने को काम करने जाना है तो नाश्ते का जुगाड़ करना है। तो हम नाश्ते का जुगाड़ आज नेचुरल तरीके से करने वाले हैं। अपने बाड़ी का जो कटहल पेड़ है वहाँ जाएंगे और चेक करेंगे कि कटहल पका है कि नहीं पका है। ठीक है, अगर पका रहेगा तो कटहल तोड़ कर लाएंगे, अगर अपने को कटहल नहीं मिलता है तो फिर पोहा बना के लेकर जाएंगे, है ना, बगीचे साइड। और दर्शकों, आज सूरज भगवान काफ़ी ज़ोर से चमक रहे हैं। एक चीज़ है, सूरज भगवान जब ज़्यादा चमकते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो कपड़े होते हैं वो जल्दी सूखते हैं। नहीं तो बारिश के दिनों में क्या होता है कि हम नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, लेकिन कपड़ों को सूखने में 1 से 2 दिन लग जाता है। ठीक है, पंखे के नीचे सुखा सकते हैं लेकिन वो उतना अच्छा नहीं रहता। धूप में सुखाने का जो मज़ा आता है ना, कपड़े सूखते हैं तो पहनने में जो मज़ा आता है, वो पंखे में सुखा कर पहनने में मज़ा नहीं आता। ठीक है, फिलहाल चलिए अभी हम कटहल पेड़ के पास चलते हैं और कटहल तोड़ते हैं, है ना। टाइम कितना हो रहा है, 10:10। चलिए, अभी हम कटहल पेड़ के पास पहुंच चुके हैं। तो कटहल पेड़ में चढ़ते हैं, है ना। और अभी हम कटहल पेड़ पे चढ़ चुके हैं, कटहल चेक कर रहे हैं कौन सा खुशबू तो आ रहा है, ये वाला पका है या फिर इधर का पका है, पता नहीं चल रहा है। और दर्शकों, ये वाला कटहल पका हुआ था लेकिन इसे देखिए, तरह तरह के कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, है ना। तो इसी का खुशबू आ रहा था, बाकी तो और पका नहीं है, चेक कर लिया पूरा, है ना। तो चलिए अभी उतरते हैं और खाली हाथ घर चलते हैं, और पोहा बना के ही घर ले जाना पड़ेगा सर तक। चलो, और दर्शकों, 2 बार हो चुका ना मैं खाली हाथ कटहल पेड़ से लौट रहा हूँ वापस, क्या करें पक ही नहीं रहा है। लेकिन पहली बार जब आया था इस पेड़ में ना, तो अपने को 5 से 6 कटहल पका मिला था, इसलिए मैं बार बार आ जाता हूँ ताकि मेरे को कटहल पका मिल जाता है, लेकिन मिलता ही नहीं है। गर्मा गर्म पोहा, ये और दर्शकों, अभी हम बड़े पापा के बगीचे के पास पहुँच चुके हैं, तो पोहा लेकर आ रहे हैं। पोहा खाने के लिए हम सागौन पेड़ से पत्तियां तोड़ रहे हैं, 5-6 सागौन की पत्तियां तोड़ेंगे और इसमें खाएंगे, मस्त है ना। तो ये दर्शकों, नेचुरल तरीके से खाने में मज़ा ही कुछ अलग आता है। यहाँ से और तोड़ लेते हैं, ये देखिए, पत्तियाँ तो धो रहे हैं, धो लिए पत्तियाँ। और दर्शकों, ये रहा अपना आज का नाश्ता। नींबू है, प्याज है, मिर्ची है, है ना। चलिए इसे ट्राई करते हैं एक बार, नींबू निचोड़ते हैं इसमें पहले। तो ये थोड़ा सा नींबू, एक दो बीज लेते हैं मूंगफली का, सही है दर्शकों, मज़ा आ रहा है। चलो अभी फटाफट से खाते हैं, काम करने जाएंगे। बांध दिया
घर ले घान देना पिए देला कहां पत्थर दे फें मिला के पत्थर दर्शकों। अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और अपने बड़े पापा के बगीचे में धान रोपाई चल रही है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। और इस बगीचे में तीन खेत बचे हुए हैं जिनमें कि धान रोपाई होनी है, बाकी कल तीन खेतों में धान बुआई कर दिए हैं, है ना। तो देखते हैं कितने दिनों में तीनों खेत कम्प्लीट हो पाते हैं। आज तो एक ही खेत कम्प्लीट होगा शायद। तक दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी खाना वाना खा लिए हैं और बस आराम कर रहे हैं, है ना। और इधर अपना जो ये अपना सगुन का पौधा लगाए हैं ना, तो वहीं के बीच में भैंसों को चारा खिलाया जा रहा है। आप लोग को दिखा देता हूँ, अपना चर रहे हैं, है ना, घास, क्योंकि इनसे बहुत काम लिया गया है अभी 2-3 घंटे तक। तो दर्शकों ये अभी घास चर लेंगे फिर इनको फिर से काम में लेंगे, है ना। चलो चल। और दर्शकों ये भैंसा पड़ोसी गांव का है ना, इन्हें किराया देकर लाए हैं दर्शकों। सही है। कोई क्या पत्थर निकाल दर्शकों। अभी शाम के 4 बजने वाले हैं और महिलाएं जो हैं दूसरा खेत स्टार्ट कर रही है रोपाई करने के लिए, है ना। पहला खेत कंप्लीट हो चुका है और भैंसों को भी काम कराया जा रहा है खेतों में, है ना, कोपर चलाया जा रहा है, तो सही है। और हम बाल्टी पकड़ कर जा रहे हैं अपने बगीचे, वहाँ से पानी लेकर आएंगे। यहाँ का जो बोर है वहाँ से अच्छा पानी नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है, तो हम अपने बगीचे जाएंगे वहाँ से बोर से पानी भरेंगे, क्योंकि वहाँ का बोर कुएँ जैसा पानी देता है, ठीक है। दर्शकों अभी हम अपने बगीचे पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ 7 तक लाइट नहीं है और लाइट ना होने की वजह से मैं पानी नहीं भर पा रहा हूँ। फिलहाल इधर जो 3 खेत बचे थे ना, ये वाला और ये वाला, इन तीनों खेत में रोपाई हो चुका है। ये वाला खेत बचा हुआ है और इधर का आगे वाला खेत, है ना। तो सही है दर्शकों, बढ़िया काम हो रहा है। दर्शकों पावर नहीं है, है ना। चलो
दर्शकों अभी 10 मिनट में वेट करा, फिर भी लाइट नहीं आया, तो मैं वापस जा रहा था है ना अपने बड़े पिताजी के बगीचे में। लेकिन फिर मुझे याद आया कि अपने बगीचे में तो ये कुआं भी है और इस कुएं में पानी देखिए कितना ऊपर में है, तो हम आराम से यहाँ से पानी निकाल सकते हैं। ज़्यादा लंबा रस्सी भी नहीं लगेगा, तो अपना इतना छोटा सा रस्सी है ये देखिए, इसी से काम चल जाएगा। चलो और दर्शकों अपना ये रस्सी और बाल्टी तैयार है, चलिए अभी कुएं से पानी निकालते हैं अपन। हम कुएं के ऊपर चढ़ चुके हैं, रस्सी और बाल्टी जा रहा है नीचे। इसे ऐसे पहले कचरे को साफ करने का, कचरा साफ हो गया फिर इस बाल्टी को ऐसे डुबोने का। डूब जा, अरे डूबना भाई, ये प्लास्टिक का बाल्टी डुबाना ना बहुत मुश्किल का काम होता है। अरे हाँ गया गया, चलिए चले जा। लकड़ी ला के कर लूँ क्या, का आ जाएगा इसे ही, आ जा आ गया। ये एक हाथ में हम उठा देते हैं इतना को, तो चलो अपना पानी आ चुका है। दर्शकों कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन ठीक समय पे ना अपने माइंड में आ नहीं रहा होता है। जैसे देखिए अभी अपने को पानी भरना था, तो मैं यहाँ अपने बोर का वेट कर रहा था है ना, देखा है तो बोर ऑन करूँ करके, लेकिन देखिए ना अब कुआं का याद आ गया तो कुएं से पानी भर लिया। सही है, इधर देखिए दर्शकों लास्ट खेत को कोपर चला रहे हैं। अभी हम राखड़ लेने के लिए जा रहे हैं वापस, 10-15 किलो राखड़ लाएंगे और फिर इन खेतों में सिंचाई होगा। पानी उधर खेतों से इधर भगा रहे हैं देखिए है ना, क्योंकि कोपर जब चलाते हैं तो पानी खाली करना पड़ता है, तब जाके अच्छे से चिखला होता है ना। सही है दर्शकों, इधर आप देख सकते हैं खेत के किनारे में गड्ढा खोद दिया गया है जिसमें कि पानी भरा हुआ है, और यहाँ आप आराम से नहा सकते हैं, तालाब तालाब जैसे है ना, या फिर देसी स्विमिंग पूल कह लीजिए। सही है, इन दोनों बोरी में है ना राखड़ यानी कि फर्टिलाइज़र। इसमें 2-3 मिक्स है, पोटास यूरिया है ना और सुपर, 3-4 मिक्स है। तो चलिए इन्हें उठाकर लेकर चलते हैं। दर्शकों अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं अपने बड़े पापा के बगीचे में राखड़ ले आया हूँ, ठीक है। तो अब दिखाता हूँ, इधर मेरे सामने ही राखड़ सिंचाई चल रहा है इधर है ना, ये देखिए सही है। दर्शकों इस खेत में भी धान बुआई करेंगे है ना, चपचपा पत्थर में, ना ज़्यादा पानी होना चाहिए ना ही ज़्यादा सूखा, बढ़िया चपचपा रहे है ना गीली मिट्टी, फिर इसमें धान की बुआई कर देंगे। तो अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं, पानी उधर उस कोने से खाली कर रहे हैं ना, इसलिए इधर है धान और उधर महिलाएं भी बस कंप्लीट करने वाली हैं लास्ट खेत को। हाइब्रिड धान है ना सब है, कई थे चिमटी
ए एथि बुनी सब हरे चमटिया कदे आखिरी खेत में धान रोपाई करते हुए है ना। दर्शकों 5:46 हो रहे हैं और यहाँ का छोटा हिस्सा जो बचा था ना धान रोपाई के लिए उसे भी कंप्लीट कर दिए। नीचे का वाला खेत भी कंप्लीट हो चुका है और ये छोटा सा खेत ये भी कंप्लीट हो चुका है। नीचे साइड ये वाला है ना, इसको एक खेत मान लेते हैं। नीचे इसके नीचे एक खेत और उसके नीचे एक खेत। उन तीनों खेतों में धान बुआई किए हैं और इन तीनों खेतों में धान रोपाई। ठीक है, तो दर्शकों आखिरकार हमने इस बगीचे में काम कंप्लीट कर दिया है। बहुत दिनों तक काम कर रहे थे, मेड़ों को छीलने वाला काम कर रहे थे और चिखला करने वाला काम कर रहे थे, है ना। काफ़ी थकावट महसूस हुआ दर्शकों, लेकिन देखिए आज हम काम कंप्लीट ही कर दिए हैं। अब बगीचे के पास 2 खेत बचे हुए हैं, बांध के पास 2-3 खेत बचे हुए हैं। ठीक है, फिर पूरा धान बुआई धान रोपाई वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 हफ्ता बीतने के बाद दवाई ववाई सींचने का काम, ठीक है, वही सब रह जाएगा, घास वास निंदाई का काम। तो चलिए फिर आज का काम यही रहा दर्शकों इस बगीचे में, है ना। हम फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें, मिल बांट कर खाएं, सुख बांटे दुख बांटे, जीवन की सारी चिंता करना है। यू टेक केयर, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। पता नहीं दर्शकों और कब तक बारिश होगी।